बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इबाद उल्लाह वाईटी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से। तो डियर स्टूडेंट्स, इबाद उल्लाह वाईटी कैसा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आपको 100% ऑथेंटिक न्यूज़ देखने को मिलती है, चाहे वो न्यूज़ बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, चाहे वो न्यूज़ ओपनिंग और क्लोजर ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, या कोई भी ऐसी न्यूज़ अराउंड द वर्ल्ड हो। इबाद उल्लाह वाईटी कैसा यूट्यूब चैनल जहाँ पर आपको 100% ऑथेंटिक न्यूज़ देखने को मिलती है। तो डियर स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एग्जाम्स कब हो रहे हैं, किन किन डेट्स पर हो रहे हैं, किन किन सब्जेक्ट्स के हो रहे हैं और किन किन बोर्ड्स में एग्जाम्स हो रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि फेडरल बोर्ड ने जो है जो डेट शीट अभी जारी करी थी, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि 24 जून और 25 जून से जो एग्जाम शुरू हो रहे थे 10th और 2nd ईयर के, वो डेट शीट अब हो गई है कैंसिल। मतलब वो डेट शीट अब नहीं इस्तेमाल होगी, क्योंकि अब उन्होंने बोला है कि जुलाई में एग्जाम स्टार्ट होंगे। ये बात कही है शफकत महमूद ने, जब बैरुल सुबाई वज़ीरे तालीम का इजलास हुआ था, उसमें यह बात डिसाइड की गई कि जुलाई के महीने में एग्जाम्स होंगे और वही क्राइटेरिया के पहले 10वीं और 12वीं और फिर 9वीं और 11वीं के। लेकिन तलबा का प्रोटेस्ट और आप कह सकते हैं कि जो ट्विटर पर उनके हैशटैग से वो शायद रंग ले आए, और नतीजा बाद में ये सामने आया कि 9th और 10th के इख्तियारी मजामीन और मैथमेटिक्स के इम्तहान लिए जाएंगे। मतलब बाकी सब्जेक्ट्स यानी कि उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, पाक स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स के पेपर्स नहीं लिए जाएंगे। इसी तरह अगर बात करें 11वीं और अब ये तमाम बोर्ड के लिए एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर बोर्ड को ये कहा गया है कि आप इन सब्जेक्ट्स के लिए, ये तमाम ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी बोर्ड हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड, भावलपुर बोर्ड, आज़ाद जम्मू कश्मीर बोर्ड, लाहौर बोर्ड, पिंडी बोर्ड, फेडरल बोर्ड, जितने भी बोर्ड्स हैं, केपीके बोर्ड, तमाम बोर्ड्स के लिए ये अप्लाई करा जाएगा। उसके अलावा ये 10th, 11th ऑफ 2nd ईयर के लिए भी जो राय अमल जारी किया गया है वो ये है कि खाली इख्तियारी मजामीन का इम्तहान लिया जाएगा, यानी कि जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खाली बायो केमिस्ट्री और फिज़िक्स, और प्री इंजीनियरिंग के जो हैं उसी तरह फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स और इसी तरह आगे चलते वाले, और जो उनके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए उन्होंने इस फील्ड में आना है, तो उनकी सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स लिए जाएंगे। बाकी उसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द एग्जाम जो कि इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात बच जाते हैं 2nd ईयर और 1st ईयर के लिए, वो नहीं लिए जाएंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने का मकसद यही था कि आप लोगों के लिए बहुत ही एक रिलैक्स, मतलब रिलैक्स तो नहीं कहेंगे, एक बहुत बड़ा लीव दिया गया है जिसमें सब्जेक्ट्स को हाफ़ कर दिया गया है। अगर 1st ईयर के 6 सब्जेक्ट्स हैं तो अब आपको 3 सब्जेक्ट्स के पेपर दिए देने पड़ेंगे। तो ये मेरे ख्याल से अच्छा डिसीजन लिया गया है, और पेपर्स को भी थोड़ा और पोस्टपोन भी कर दिया गया है, जो कि मेरे ख्याल से अब तैयारी के लिए बहुत ही बेहतरीन टाइम है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों ने अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक करें। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।